मीठा खाना बंद। पोते लड्डू भी नहीं? नहीं। पोते बर्फी? नहीं। गुलाब जामुन? अरे नहीं। पोते मिट्टी का ढेला खा लवा। हेपेटाइटिस हैजा हत्ता के कैंसर जैसा मूजी मर्ज उस पानी से हो सकता है जिसे आप अपनी प्यास बुझाने के लिए पेट में डालते हैं। घरों का इस्तेमाल शुदा पानी भी जेर जमीन पानी को आलूदा कर रहा है। अब बचाव करना लाजिम है और इसी मकसद के लिए पंजाब कॉलेज में ये बैठक सजाई गई। रोजाना 7 से 8 गिलास पानी ऐसा पिए जो जरासीम से पाक हो, जिसके लिए 4 मिनट तक पानी को उबालना बहुत जरूरी है। पानी को 3 से 4 मिनट के लिए अगर आप बॉयल कर लेते हैं तो उसमें जो भी कॉमन जरासीम है, बैक्टीरिया या वायरसेस, वो किल हो जाते हैं। अपने हैंड वॉशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर्सनल हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, नाखून साफ सुथरे रखें, हमेशा खाना खाने से पहले अपने हाथ धोएं। खासतौर पे जो लोग डिजीज़ हैं, जैसे जिनको इन्फेक्शन हुआ हुआ है, उनको तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तकरीब में तलबा ने भी पुरजोश अंदाज से शिरकत की। पंजाब कॉलेज लिटरेरी सोसाइटी के तलबा ने आगाही ड्रामा भी पेश किया। मैं तो इन्हें पहले ही कहती हूँ, ये लोग तो हाथ तक नहीं धोते और ना साफ पानी पीते हैं, खाना खाने से पहले भी हाथ नहीं धोते। ये प्रोग्राम चेयरपर्सन पंजाब कॉलेज लिटरेरी सोसाइटी हरीमा सादिया ने तरतीब दिया, जिनका मकसद साफ पानी की मुहिम में तलबा को आगे लाना है। कैमरामैन शब्बल जुल्फी के साथ स्नाउल्ला खान, दुनिया न्यूज़, लाहौर।